काव्यखंड सुमित्रा नंदन पंत चैप्टर नंबर 5 का यह सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या। चीटी पाठ का नाम है। तो आइए देखते हैं प्रश्न 1 यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिल डुल चलती लघु पद पल पल मिलजुल वह है पिपलिका पाती। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत कन कन करके चुनती अविरत गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती लड़ती अरी से तनिक न डरती दल के दल सेना संवारती घर आंगन जनपद बुहारती। उसका हम लोग का अर्थ देखेंगे। सबसे पहले कुछ यहाँ पे कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ इस प्रकार से है। विरल का अर्थ होता है जो घनी ना हो। तम का अर्थ यहाँ पे है अंधकार। लघुपाद का अर्थ होता है छोटे पैरों से। पल पल का अर्थ यहाँ पे है थोड़ी थोड़ी देर में। पिपीलिका का अर्थ है चीटी। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे पिपीलिका का अर्थ क्या होता है, चीटी होता है। सतत मतलब निरंतर है, अविरत मतलब बिना रुके हुए, अरि मतलब शत्रु होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अरि का अर्थ क्या होता है, शत्रु। बुहारती का मतलब साफ करती। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत है पद्यावरण प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाड़ी काव्य संग्रह की चीटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किया गया है। प्रसंग इस प्रकार से है। इस अवतरण में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करके मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया है। व्याख्या में लिखेंगे कवि प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी चींटियों को ध्यानपूर्वक देखा है। चींटियों की पंक्ति एक सरल सीधी काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रति क्षण चलती रहती है। चींटियाँ जब मिलकर के चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिलडुल रहा हो। कभी आगे कहता है वह चींटियों की पंक्ति यानी कतार है। तुम ध्यान से देखो वह किस प्रकार से निरंतर चलती रहती है। वह निरंतर अपने काम में जुटी रहती है और अपने परिवार के लिए छोटी छोटी उपयोगी कड़ों को बिना रुके लगातार चुनती रहती हैं। इतना ही नहीं, उनका भी घर समाज है। वह गाय चराती हैं, उन्हें धूप खिलाती हैं। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार चींटियों में भी गायें होती हैं। ये अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने शत्रुओं से निर्भय होकर के लड़ती हैं, अपनी सेना सजाती हैं तथा घर आंगन और रास्ते को साफ करती प्रतीत होती हैं। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो इन पंक्तियों में चींटी की श्रमशीलता यानी कह सकते हैं कर्मठता पर प्रकाश डाला गया है। कवि चींटी के माध्यम से मनुष्य को सतत कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। कवि के अनुसार चींटियों का लघु स्वरूप मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि शारीरिक लघुता व्यक्ति की कार्य क्षमता पर अधिक प्रभावी नहीं हो सकती। भाषा यहाँ पे सरल साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली जो है वर्णात्मक है। रस यहाँ पे वीर रस और कर्म वीरता के कारण हो रही है। गुण ओज अलंकार की बात करते हैं तो तम के तगेसी जो हिलडुल में उपमा और अनुप्रास कन कन में पुनरुक्ति प्रकाश से अनुप्रास देखने को मिल रहा है। भाव सम की बात की जाए तो जिस प्रकार पंत ने चींटी के माध्यम से सदैव कार्यरत रहने की प्रेरणा दी है वैसे ही राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी सतत कर्मशील बने रहने पर बल दिया है। उन्होंने बताया है नर हो ना निराश करो मन को कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। ये पंक्तियाँ थी मैथिली शरण गुप्त जी की। प्रश्न नंबर 2 है कि चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी व सुनागरिक। देखा चींटी को
उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय। वह जीवन की चिंगारी अक्षय वह भी क्या देती है तिलसी। प्राणों की रिमझिल झिलमिल सी दिन भर वह मीलों चलती अथक कार्य से कभी ना टलती। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे जिससे कि श्रम जैविक का अर्थ होता है श्रम करने जाने वाली। चिंगारी का अर्थ है चिंगारी। अक्षय का अर्थ है कभी नष्ट ना होने वाली। अथक का मतलब बिना थके हुए। संदर्भ आपका पूर्वत की तरह रहेगा और प्रसंग में लिखेंगे इन पंक्तियों में कवि ने चींटी के गुणों और उसकी क्रियाशीलता का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार से चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी का अपना एक समाज होता है उसी के साथ वह हिल मिल करके नियम पूर्वक रहती है। वह कठोर परिश्रमी जीव है और उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान हैं। कवि कहता है कि तुमने चींटी को ध्यान से देखा होगा वह अत्यधिक लघु प्राणी है परंतु उसका हृदय एवं आत्मबल अत्यंत विशाल है। चींटियों की पंक्ति भूरे बालों की कतरन के समान दिखाई देती है। उसकी लघुता को भी सभी जानते हैं लेकिन उसके हृदय में असीम साहस है। वह सारी पृथ्वी पर जहाँ चल चाहती है निर्भय होकर विचरण करती है। उसे किसी स्थान पर घूमने से भय नहीं लगता है। वह लगातार अपने श्रम से भोजन को एकत्र करने के काम में तल्लीन होकर जुटी रहती है। चींटी श्रम की सरकार साकार मूर्ति है। वह जीवन की कभी नष्ट ना होने वाली चिंगारी है। चींटी एक अति लघु प्राणी है परंतु उसके जीवन की संपूर्ण ज्योति जगमगाती है। कवि कहता है कि उसका शरीर बड़ा नहीं है अपितु वह तिल के समान अत्यंत छोटा है। इतनी छोटी होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है। दिन भर वह कई मील की लंबी यात्रा पूरी करती है फिर भी वह कभी थकती नहीं है और निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। धूप छांव शीत वर्षा में भी वह अपना कार्य करने से नहीं चूकती। काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है। पंत जी ने चींटी जैसे लघु प्राणी में भी आदर्श सामाजिक प्राणी के गुण देखे हैं। कभी तुच्छ दिखने वाले जीवन में भी महानता के तत्व ढूंढने में सक्षम हैं। भाषा यहाँ पे साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शैली है वर्णात्मक रस वीर रस कर्म वीरता के कारण। अलंकार की बात करते हैं तो भूरे बालों की सी कतरन में उपमा अलंकार है। रिल मिल झिल में अनुप्रास अलंकार है। गुड़ है ओज्य मिश्रित प्रसाद गुड़। भाव साम्य है जिस प्रकार चींटी धूप छांव शीत वर्षा की चिंता किए बिना आजीवन श्रमशील रहने बने रहने की प्रेरणा देती है उसी प्रकार राम नरेश त्रिपाठी भी मृत्यु पर्यंत कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो कर्म तुम्हारी भाषा हो सकर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। अब कुछ अगला प्रश्न है कि चंद्रलोक में प्रथम बार से पहला आपका पद्य है पहली पंक्ति है यहाँ से स्टार्ट होती है इसका भी हम लोग संदर्भ से व्याख्या देखेंगे। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पर्दापण छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन दिग्विजयी मनुष्य सुत निश्चय। यह महत्व ऐतिहासिक क्षण भू विरोध हो शांत निकट आए सब देखो देशों के जन युग युग पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। पर्दापण का अर्थ होता है पैर रखना। दुर्जय का अर्थ है कठिनाई से जीते जा सकने वाला। बाधा का अर्थ होता है रुकावट। अड़चन का अर्थ है या रुकावट या अड़चन। दिग्विजयी का अर्थ होता है दिशाओं को जीतने वाला। मनु सुत का अर्थ है मनुष्य। महत का अर्थ होता है बड़ा। भू विरोध का अर्थ है पृथ्वी पर दिखाई देने वाले झगड़े
पौराणिक का अर्थ है पुराना और समारंभ का अर्थ है प्रारंभ है। संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर सुवींद्रानंदन पंत द्वारा रचित ऋचा रीता नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित है। चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित है। और जितने भी पद्यांश इसके आगे होंगे सभी का संदर्भ यही होगा, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। प्रसंग इस प्रकार से है, इन पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुँचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उस संभावना का वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार होती प्रतीत हो रही है। व्याख्या इस प्रकार से, कवि कहता है कि जब चंद्रमा पर प्रथम बार मानव ने अपने कदम रखे तो ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों जिस पर विजय पाना कठिन था छिन्न भिन्न कर दिया। मनुष्य को यह आशा बध गई कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब दूर नहीं है। यह निश्चय ही मनु के पुत्रों यानी मनुष्यों की दिग्विजय है। यह ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी मानव को परस्पर विरोध समाप्त करके एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। यह संपूर्ण विश्व ही अब एक देश में परिवर्तित हो गया है। सभी देशों के मनुष्य अब एक दूसरे के निकट आए हैं, यही कवि की आकांक्षा है। मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चंद्र विजयों के से युगों युगों का पौराणिक स्वप्न अब संभव हो गया है। चंद्रमा के संबंध में की जाने वाली मानव की मनोरम कल्पनाएं अब साकार होती हैं। पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्रयुग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। कब सौंदर्य की बात करते हैं तो प्रस्तुत कविता में कवि ने दार्शनिक विचारों की प्रस्तुति वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में की है। भाषा साहित्यिक कड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, रस वीर है, छंद तुकांत मुक्त है और गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश भाव सम संस्कृत से अधोलिखित स्वरूप जैसी भावना ही कवि ने इन पंक्तियों के में व्यक्त किया है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधेव कुटुंबकम। प्रश्न नंबर सेकंड है, इसमें से फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल आचल सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल अमरीका सोवियत बने नौ दिक रचना के वाहक जीवन पद्धति के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। ग्रह का अर्थ होता है सूर्य की परिक्रमा करने वाले तारे। इनके नाम हैं पृथ्वी बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि प्लूटो पहले था हट गया है नेपच्यून और यूरेनस। प्रस्तुत कविता के अनुसार नौ ग्रह हैं परंतु वर्तमान में केवल आठ ग्रह माने गए हैं। प्लूटो को क्षुद्र ग्रह माना जा गया है। उपग्रह किसी बड़े ग्रह के चारों ओर घूमने वाले छोटे ग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, एकमात्र उपग्रह प्रकृति उपग्रह चंद्रमा है। श्यामल का अर्थ होता है हरा भरा। संपद का अर्थ है संपत्ति वैभव। मंगल का अर्थ है कल्याण। नवदिक का अर्थ होता है नई दिशाएं या रचना का अर्थ होता है सृजन या निर्माण। पद्धति का अर्थ होता है रास्ता। समन्वित का अर्थ होता है मिले हुए या विस्तृत का अर्थ होता है विशाल। व्याख्या इस प्रकार से, कवि का कथन है कि जब मैं अब यह चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के ग्रहों उपग्रहों में इस पृथ्वी का श्यामल आंचल फहराने लगे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहां पृथ्वी जैसे ही हरियाली और जीवन का संचार कर दे। सुख और वैभव से युक्त संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो अर्थात संपूर्ण संसार में कहीं भी दुख का और दैन्य दिखाई ना पड़े। अमेरिका और सोवियत रूस नई दिशा की रचना करे क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में यही देश सर्वाधिक प्रगति पर है। लेकिन आज के समय में हमारा अभी भारत देश कहीं पीछे नहीं रहा। अभी आपने देखा है जल्दी में चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पे छोड़ा गया था। वहाँ पे विक्रम लैंडर और
प्रज्ञान रोवर को वहाँ भेजा गया है, जिसकी जिसने अपनी जितनी रिसर्च थे सबको कंप्लीट कर लिया है। कई प्रकार की वहाँ पे गैसें मिली हैं, पानी की खोज जारी है अभी अभी वहाँ पे। तो भारत देश भी हमारा पीछे नहीं रहा और चौथा देश बन गया जो कि चंद्रमा पर के सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला देश बना है। पहला आपका पता ही है अमेरिका, फिर रूस, चीन, उसके बाद भारत अपना चौथा देश है। कवि का कहना है कि विश्व में प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता भिन्न भिन्न है तथा अलग अलग जीवन पद्धति है, इसकी भिन्नता समाप्त होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि सभी जीवन पद्धतियां आपस में मिलकर के एक हो जाएं और मन की संकुचित भावना का अंत कर लोग उदार चेता बने तथा विश्व मानव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास हो। काव्य सौंदर्य कवि चारों ओर कल्याणमय जीवन के प्रसार की कामना करता है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली यहाँ पे है प्रतीकात्मक, रस वीर रस है, छंद तुकांत मुक्त छंद है। गुण की बात करते हैं तो ओस गुण, अलंकार फहराए, ग्रह उपग्रह में धरती का सामल, आंचल में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर थर्ड है अड़ु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन को साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मर्पण, धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उड़ता स्वार्किक ज्वार देख चंद्रानन। धरा का अर्थ यहाँ पे होता है पृथ्वी, सृजन का अर्थ है निर्माण, आत्मार्पण का अर्थ है आत्मसमर्पण, चंद्रानन का अर्थ है चंद्रमा का मुख। प्रस्तुत पंक्तियों में यह कामना की गई है कि अणु शक्ति की परख और प्रयोग करने वाला यह वैज्ञानिक युग मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। व्याख्या, कवि का कहना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। परमाणु शक्ति मानव जीवन के विनाश का साधन ना होकर के पृथ्वी का स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। विश्व एकमात्र सत्य है, मानवता की भावना इसके समक्ष समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने और संपूर्ण देश मानवता की बात करें और सोचें। वे अणुशक्ति से एक दूसरे के विनाश की बात ना सोचें वरन उन्हें मानवता के हित में लाएं। चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम जगत प्रसिद्ध और बहुत पुराना है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक अंग है, इसलिए पृथ्वी के सागर रूपी हृदय में चंद्रमा के मुख को देख करके ज्वार उठता है। तात्पर्य यह है कि चंद्र विजय की सार्थकता तभी है जब वैज्ञानिक उपलब्धियों को मानव हित में लगाया जाए। काव्य सौंदर्य है कवि विज्ञान की उन्नति को मानवता के विकास के लिए उपयोगी मानता है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पृथ्वी के निकट आता है तो समुद्र का पानी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से ऊपर उठ जाता है, उठ जाया करता है, यही ज्वार कहलाता है। कवि ने इस भौगोलिक सत्य की अति उत्कृष्ट साहित्य अभिव्यक्ति की है। जैसे कि आपको पता है जो समुद्र में ज्वार और भाटा आता है ना, वो पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं, ये चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा संभव होता है जब ज्वार आता है। पहले ज्वार आता है उसका, फिर जब जो समुद्र की लहरें उठती हैं उसको हम ज्वार कहते हैं, और जो रिटर्न होती हैं उसको हम भाटा कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये लगभग महीने में दो बार ये देखने को मिलता है, जैसे कि आप पता है पूर्णमासी के दिन यहाँ पे सब आप देख भी पा रहे हैं। तो पूर्णमासी 15 दिन के बाद आती है, तो 15 महीने में दो बार चीज़ें देखने को घटित होने के देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाता है, तो समुद्र का पानी है चंद्रमा की आकर्षक शक्ति के कारण ऊपर उठने लगता है, यही हमारा ज्वार कहलाता है। जब ये पानी रिटर्न होकर के नीचे गिर के जाता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। आपने बहुत अच्छे से इसको बारे में जाना होगा भूगोल में। आगे देखते हैं हम लोग भाषा, यहाँ पे साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शैली प्रतीकात्मक एवं भावात्मक है। रस यहाँ पे रस शांत है। छंद की बात करते हैं तुकांत मुक्त है। गुण प्रसाद है। अलंकार इसमें है स्वर्ग सृजन का साधन में अनुप्रास तथा हृदय सिंधु में रूपक अलंकार है। भाव समय की बात करते हैं तो विज्ञान की शक्ति मनुष्य द्वारा नियंत्रित है और मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है या भाव अन्यत्र भी व्यक्त किया गया है। शक्ति शक्ति है, बुरी या
अच्छी कभी नहीं होती, एक नियंत्रक मानव इसके ही विचार होती। लास्ट प्रश्न यहाँ पे है आपका देखने को मिलेगा काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण से, जैसे कि पहला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे पहला पंक्ति दे रखी है तम के तागे सी जो हिल डुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। सेकंड यहाँ पे पंक्ति दे रखी है भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। और तीसरी पंक्ति देखी है सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। तो पहले का हम बात करेंगे तो पहले में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरे में उपमा अलंकार है दूसरी पंक्ति में और तीसरे पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर सेकंड है यहाँ पे जो कि आपको करना नहीं है। प्रश्न नंबर सेकंड इसमें निम्नलिखित पदों में उत्सर्ग तथा शब्द के पृथक पृथक करके लिखिए, जैसे कि सुनागरिक अक्षय समारंभ उपग्रह। इसके बारे में ऊपर ही बता दिया गया था आप वहाँ पे देख लिए थे इसके इन सबको अलग अलग अर्थ में, तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद।